केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। सर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में कर्नाटक के असेंबली चुनाव शुरू होने वाले हैं। इसको लेकर जो है आज डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के सदस्यों ने पब्लिक ओपिनियन के लिए गए थे। एचसीएन और केसीएन न्यूज चैनल के अंदर जो है एक स्टेटमेंट डाला गया है, तो उसका काउंटर देने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आने के टाइम पर वो तुम्हारा पूछना जरूरी होता, तो मैं पूछ रही हूँ उसके बारे में। हमारा क्या भी ऑब्जेक्शन है, और आदमी को बात करने के वास्ते हर आदमी को पूछना जरूरी भी रहता। हर जगह एनआर छित्रा के अंदर होंगे चामराज, हर जगह आप पे पूछना अपना फर्ज है ना, पूछ रहे हमारा क्या भी ऑब्जेक्शन है। हमारे कांग्रेस के एक जिम्मेदार जो 15 साल पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट बन गए थे, उनका स्टेटमेंट देखे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो स्टेटमेंट हमें पसंद नहीं आया। कई को बोले तो अजीत सेठ साहब सेकेंड इलेक्शन में जब खड़े, पहले इलेक्शन में मारुति पोर जब जीते, जब ये बीजेपी में थे, बीजेपी में रहने के बाद तनवीर सेठ से अजीत सेठ साहब क्या करें, इनको बुलाकर कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक प्रेसिडेंट बने। दो ब्लॉक हम बने, जब एक रामत भी को ब्लॉक प्रेसिडेंट बने, एक इनको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाकर पोस्ट दिए इनको। जब हमें भरपूर इनके साथ थे, मैं भी वार्ड प्रेसिडेंट, अजीत सेठ तनवीर सेठ साहब मुझे वार्ड प्रेसिडेंट बने, जब मैं इनके साथ था, हमारे शुक्रदा हमारे को अल्लाह जवाब दे रही, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी थे, ऐसा हमें सब मिलकर काम करते थे। जब इनको अच्छा बढ़ चढ़ को हमें कर बात, अजीत सेठ साहब का इंतकाल होगा, होने के बाद तनवीर सेठ साहब को खड़ा ना हो डिसाइड करें। खड़ाने के बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट इनोज थे, इनको भरपूर तनवीर सेठ साहब फुल सपोर्ट करे, इनोज रन देख बोला को, जब इन्हों काम भी करें, अच्छे से काम करे, अच्छा काम भी चले। उसके बाद तनवीर सेठ साहब इनके बीवी को कांग्रेस पार्टी की इनके एरिया में टिकट दिए, कॉर्पोरेटर बनाए, इसकी बदौलत तलाश तनवीर सेठ साहब। उसके बाद इनो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, इनो सबको भी साथ लेकर चलती हैं उन्होंने, इनो जब इलेक्शन जीते इनो इनका रवैया बदल गया। उसके बाद फिर भी रवैया बदलने के बाद भी अलास तनवीर सेठ साहब इनको इनके बीवी को मेयर बनाना है, उन्होंने बहुत मेहनत करे, जब नहीं हुआ इनको मेयर बनने की चांसेस नहीं मिली। वो पार्टी मीटिंग में क्या कुछ होगा वो नहीं हुआ, सपोर्ट तो जब तनवीर सेठ साहब इनको बनेंगे बोलकर डिसाइड करते मेयर बनेंगे मैसूर के, वो नहीं हुआ। उसके बाद इन्हों फिर जरा दिन के बाद बाजू हो गए, होने के बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई, आने के बाद इनकी बीवी को चेयर जू चेयरमैन जो कैबिनेट रैंक रहता वो हिसाब से इनको चेयरमैन बनाए, ये बदौलत भी अलास तनवीर सेठ साहब। इनके पूरा जो कुछ कर गई तनवीर सेठ साहब, इनको पोस्टा जो देखो इनकी बीबी को, वो अलास तनवीर सेठ साहब देखो इन सब होगा। जब ब्लॉक प्रेसिडेंट फिर ना आको, ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं बनता, मैं पार्टी से हूं, मैं बेंगलोर लेवल में अच्छा हूं, तो बोला को तनवीर सेठ साहब को भत्ते फूक लेकर जाते थे, फिर भी तनवीर सेठ साहब भत्ते फूक रही, मतलब इन कुछ ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेंगे वो करे, इनो हाथ काम करने के लायक में नहीं थे। वो आपका माहौल अलादा है, पहले करे जब हम इनको सपोर्ट करे, जब का माहौल अलादा था, वो ऐसे क्या करे, आदमी इनको कोई भी पसंद नहीं करे, इन्हो बहुत मार पकड़ के आदमी काम होता, भैया दादा कहते काम होगा बात खोल को छोड़ती आदमी को, ये इनमें है अपना घर में उनको एक पोस्ट दिए तनवीर सेठ, वो ब्लॉक प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया, हम लोग कहते हैं गौर भी करे, तो उनकी नाराजगी क्या है, पोस्ट दिए उसके बाद मेरे से काम नहीं लिए, तुम्हें काम नहीं करे तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी तुमने रख लो जेब में रख लेंगे, तनवीर सेठ साहब नहीं दिए, तनवीर सेठ साहब दिए इनको, इन्हों काम नहीं करे पार्टी लेवल में निकाले इनको, तनवीर सेठ साहब क्या भी निकाले नहीं इनको, इन्हों काम नहीं कर रही निकाल को भिड़का, आज हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट आना तो काम ज्यादा रहता, इन्हों नहीं कर सकते हो काम, उससे इनको निकाले। और एक साफ साफ इल्जाम यह है कि उन्होंने सिर्फ कहीं भी कोई दुकान की पब्लिसिटी है या कोई इनॉग्रेशन है तो वहां जा रही, एज एमएलए इन्होंने कुछ भी काम नहीं करे, ऐसा इल्जाम डाले कि कोविड में भी उन्होंने कुछ भी एक काम नहीं कर सकते बोले। तनवीर सेठ साहब तुम ना पोस्ट देते तो तनवीर सेठ साहब काम कर रही, तनवीर सेठ साहब नहीं काम कर रही तुम ना पोस्ट नहीं दिया उससे काम नहीं कर रही, तुम ना क्या कर कोई अस्त पहले अल्लाह का नाम लिया बाप तनवीर सेठ साहब का नाम लियो, तुम्हें क्या लेवल में थे, तुम ना कौन पूछता था, कहीं ना कहीं आपके नाराजगी की वजह से उन्होंने ये बात की होगी सर। मेरी नाराजगी तो पार्टी मंजे पावर दी काम करने के वास्ते, मेरे पास काबिलियत थी, मैं सबको लेकर चलता हूँ, क्योंकि भरोसा था पार्टी को, उससे मेरे सीनियर सभी मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट के लायक का करण देख उनको दिए, मेरे पूरी मेरी जो मेरी टीम थी, मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, मेरे पुराने लीडर सभी इकबाल काम करता है वो भरोसे पर, कहीं की जगह तनवीर सेठ साहब को समझे, हमारा मंजोड़ा भी समझे, सब बेट को समझे, करता काम दियो बोलकर उनकी जिम्मेदारी पर मुझे सभी मिलक को करे, मैं काम कर रहा हूँ,
पार्टी का काम, मेरा घर का काम नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी का काम कर रहा हूं। पार्टी के काम तो मैं तनवीर सेठ साहब के साथ हूं कर रहा हूं, मैं वंटी तनवीर सेठ के साहब का काम नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी का काम कर रहा हूं। मैं नहीं, तनवीर सेठ साहब हमारे एमएलए, उन्होंने हमारे साथ रह दी, लेकिन पार्टी का काम भी कहीं करना जरूरी रहता, पार्टी का काम कर रहा हूं मैं। इन बैठ जाओ तो अब क्या होगा, तो धुपका लाभ, धुपका लेने क्या करता, चेंबर खोलते झुमरा भर को गर्मी भी निकल जाती है, वैसा इलेक्शन का बोल रहा होगा झुमरा पूरे निकल जा रही है। क्या मिले तनवीर सेठ के सहारे में बोल रही, ये सरासर गलत है। तुमने पोस्ट दिया तो अच्छे, नहीं तो खराब। तुम्हें क्या थे पहले, तुमने तनवीर सेठ क्या कर को ही तुम्हारा गिरेबान झांक लिया तुम्हें। बात तनवीर सेठ साहब के बारे में बोलो, तनवीर सेठ साहब की तबियत बराबर नहीं, तुमने आ तो कान में बोले थे तनवीर सेठ साहब मेरी तबियत बराबर नहीं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स को बोले सो, उनके चाहने वाले को बोले सुनो, मुझे नक्को मैं नहीं खड़ता गुलाल को, तबियत का तकाजा है मुझे नक्को, उन्होंने बोले सो हमना हमारे साथ डिस्कस करे सुनो, हमें उनको नहीं तुम्हें छोड़ा, हमारे एमएलए को हमें बोले सो सही बात, हमें हमना जिन्हें चाहता हमें उसके फॉलो कर रही है, मैं बोलती हूँ उनको, तुम्हें कौन होती जी बोले, तुम्हारे कान में बोले कि जो ना मैं नहीं करता बोला, तुम्हें क्या है चेयरमैन, आज तुम्हारा बीबी जाको सिद्धरामैया के बाजू सीएम के बाजू बैठना, उसकी बदौलत कौन, अल्लाह तनवीर सेठ साहब चेयरमैन का पोस्ट भी इनको नहीं था, हसीना शरीफ को था सो चेयरमैन का पोस्ट, हसीना शरीफ जो थे वो कैनेडा को गए थे उनकी बेटी के पास, जब कौन भी नहीं थे किसी से दूसरे को चले आता, ये माइनॉरिटी को देना चेयरमैन का बदौलत तनवीर सेठ साहब इमीडिएट कराए सो, और हम चले दोस्त मिलको ब्लू इन में खाना खिला को ले जाको, तनवीर सेठ साहब को फोन करको जाको अर्जेंट वहां, पहले तुम्हें ये ले लियो चार्ज ले लियो, नहीं तो चले आता है पोस्ट को बोलो इमीडिएट लाते रात चार्ज लेने करे सो, हमें पूरा जू में जाको गलाटा करको लेटर इनका छपा दे लेते, तनवीर सेठ साहब बोलने में चलो लेटर मंगो इनको चेयरमैन का पोस्ट दे ले सो, ऐसा ना करी सो याद रखो। वजह क्या सर, ये बोलू ना मैं, तुमने नहीं दिया पोस्ट, पोस्ट दिया तो अच्छे, पोस्ट नहीं दिया तो खराब, माइनॉरिटी का पोस्ट पूछे नहीं दिया तुमने, ब्लैक पर्सन पूछे तुम्हारे पास काबिलियत अब नहीं थी वो नहीं दिया, उससे तनवीर सेठ साहब खराब। तो क्या आप उनके ताल्लुकात पार्टी से नहीं है सर, वो उनको पूछना तुम्हें, कांग्रेस पार्टी में जब तक थे तुम्हें करिए, अब क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ डाली तुम्हें, मैं बेंगलुरु लेवल में सियासत करता हूँ बोले बात, फिर तनवीर सेठ साहब के खिलाफ कहीं क्यों बोल रही तुम्हें, लॉकडाउन के टाइम पर तनवीर सेठ क्या भी करे नहीं करे, तुम्हें क्या करे जी, तुमने अल्लाह एक चेयरमैन साहब बना, तुम्हें क्या करे, कितने जने को राशन बटे, तुम्हें क्या करे, तनवीर सेठ साहब के बारे में बोल रही ना तुम्हें, तुम्हें क्या करे भाई, कितनी कौम को क्या क्या कर को ही कहां कहां किसे किसे राशन बांटी तुम्हें, तुम्हें क्या हक से तनवीर सेठ साहब के खिलाफ बोलती, तबियत बराबर नहीं, उन्होंने बोले तुमने बोले थे क्या को तबियत बराबर नहीं सो, कई को बेकार की बिट्टी के बातों तुम्हें कर को अदमिया में गैर गलत बोल रही तुम्हें, तुम्हारे जो करी तनवीर सेठ वो हिस्सा में याद रख लियो, बात तुम्हें बोलो कौन बोल रहा सो तनवीर सेठ के खिलाफ, पार्टी में रखो उसे क्या भी होता नहीं बिल्कुल रहता क्या, तुम्हें कुछ भी नहीं था तुम्हें होते होते देखो उन्होंने। अच्छा तनवीर सेठ के घर में जो हंगामा हुआ, उन्होंने जो नहीं करते थे इलेक्शन को, तब उस वक्त तुम्हें छत पर चढ़े थे, आज भी लोग ये बोल रहे हैं बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं तुम्हें, हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, तो 26 साल से तनवीर सेठ साहब के साथ ही हमें, तनवीर सेठ साहब अगर हमारे एमएलए को दूसरे को उनके आगे तो हमने वो पहचान नहीं मिलती, हमें उनके सही चाहने वाले थे, हमने आप क्या कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने का है, उनकी वजह से मैं तनवीर सेठ साहब के साथ रहना चाहती, हमने तनवीर सेठ होना उससे हमें करे, हमें उनके वास्ते मरने रेडी थे सो, हमें क्या भी दिखावा करे नहीं, दिखावा करने वाले हमको दिखा ले, अल्लाह बेहतर जानता हमें क्या भी दिखावा करे नहीं, तुम्हें कहां खड़े को पूछे, हमारी जज्बात हमारे दिल को चोट पहुंची, अल्लाह तनवीर सेठ साहब चले गए तो दूसरे कौन दे तो ये जो होल्ड है हमारा ये होल्ड नहीं रहता हमारे पास, हमें कौन दे दूसरा आया तो क्या करता भाई, तनवीर सेठ का आदमी काम नहीं करता उन्हें हमारा, इन्हें के बाद तनवीर सेठ का फॉलोअर्स इन्हें हर आदमी में वो छे सो, हमें तनवीर सेठ के आदमी को सबको मालूम है, यहां से लेको दिल्ली तक भी मालूम है तनवीर सेठ के आदमी को, नहीं नहीं करते उससे हमने जज्बात ने हमने क्या कि हमारा दिल दुखा उससे हमें करने रेडी थे। सर आज जो पब्लिक ओपिनियन हमारे एसोसिएशन से जाकर हमें ली है, एक ही चक वीडियो रिलीज हो गया सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी देखो ही नेगेटिव रेस्पॉन्स भी देखो ही, आज आप प्रेस मीट करने की वजह एक कांग्रेस पार्टी का लीडर गलत बोलिया करको उसकी वजह एक क्या करको वो उससे दूसरे देखो आवाम आदमी बोलता, आवाम आदमी का दिल में क्या आता वो बोलता, इनो पार्टी से सब कुछ लेको पार्टी में रखो पार्टी में खाको पार्टी के खिलाफ बोले तो अल्लाह तनवीर सेठ साहब के पास रखो, इनो तनवीर सेठ साहब के खिलाफ बोले तो हमें बोलना पड़ता खुल को बोलना पड़ता, हमें पहले हमारा गिरेबान झांक लेना, हमें पहले क्या थे कोसी पार्टी से बाद वो बोलना। थैंक यू सर।